काम नहीं करवाया, बोलते रहो अपन, कुछ भी नहीं करवाने को तैयार। और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है, साफ सफाई वगैरह बिल्कुल बढ़िया रहता है। ऐसे ही व्यक्ति चुनके आना चाहिए। हमारा खास कार्यक्रम पार्षद पास या फेल में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद शंकर यादव जी, जो जनकार समिति के प्रभारी भी हैं। उनका जो वार्ड है वो घनी बस्ती के में आता है, शहरी क्षेत्र में आता है, स्मार्ट सिटी में काफ़ी हिस्सा उस वार्ड का आ चुका है। हम बात करेंगे पिछले 3 सालों में उन्होंने क्या क्या काम करवाए और वहाँ की क्या क्या ज़रूरत थी, और उसके बाद बात करेंगे वार्ड की जनता से कि वे उन्हें पास घोषित करती हैं फेल। शंकर भैया, स्वागत है आपका डिजिना न्यूज़ के खास कार्यक्रम पार्षद पास या फेल में। आप तो सीनियर पार्षद रहे हैं, सभापति भी रह चुके हैं नगर निगम के, वर्तमान में जनकार समिति प्रभारी हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक आपकी वार्ड की अपने आप की जिम्मेदारी है। 69 वार्ड जहाँ तक मैं समझता हूँ शहरी क्षेत्र में आता है, उसका काफ़ी हिस्सा स्मार्ट सिटी में शामिल कर लिया गया है। अब तक कितने काम आपने वहाँ पर करवाए? ये जो पूरा वार्ड है पिपली बाज़ार से तो सारा जो महेश नगर तक पूरा इलाका है, और लोधीपुरा और बाज़ार का पूरा शहर का जो पुराना बाज़ार है, होलकर कालीन जो पुराने बाज़ार होते थे, होलकर कालीन जो स्थापित हुए थे बाज़ार, मारोठिया साटा बाज़ार, बर्तन बाज़ार, सरापा शीतला माता बाज़ार, क्लाथ मार्केट, और जो भी पुराने सारे बाज़ार जहाँ पूरे शहर की जनता किसी समय में वहीं पर ही ख़रीदारी करने आती थी जी। वो सारा इलाका मेरे वार्ड में है जी। चूँकि ये महापौर जी ने इसको जो जनता का सर्वे हुआ था उसमें तो 742 एकड़ का जो रेट्रोफिटिंग इलाका स्मार्ट सिटी में आया है उसमें ही ये पूरा वार्ड है ये जी। तो सारा इसका डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी के अनुसार ही होना है जी, है ना। इसके टेंडर भी हो चुके हैं, 170 करोड़ रुपये का टेंडर सड़कों का हुआ है, और जो अंडरग्राउंड केबल डलेगी उसका टेंडर हुआ है। पूरे वार्ड में नई पाइपलाइन मीटर्स जो पानी की लाइन है वो होगी, उसमें मीटर से पानी दिया जाएगा, उन सब के टेंडर हो चुके हैं जी। इसके बाद जो आवश्यकता जिस वार्ड में जो है वो मैंने पूरे काम किए हैं, जो इस वार्ड की वर्तमान में आवश्यकता अनुसार काम वहाँ पर हुए हैं, उसमें जैसे ड्रेनेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो वार्ड है, आपको पहले बता दूँ इसका जो भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ पर कोई नया काम होने की स्थिति में नहीं है जी। पुराना शहर है, सड़कें पुरानी हैं, सब नालियाँ हैं, ड्रेनेज है पुरानी, बहुत गहरी गहरी ड्रेनेज है जी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नालियाँ सफाई, बैक लाइनों में कचरा, और एक ड्रेनेज जो चोक होती है बड़ी जी, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमने ड्रेनेज के लिए एक नरसिंह बाज़ार से मालगंज चौराहे पर सेकेंडरी लाइन डाली, एक गोराकुंड से मलारगंज तक सेकेंडरी लाइन डाली, लगभग ये 4-1 करोड़ रुपए की लाइनें थी, और इससे हमारा पूरा इलाका जो ड्रेनेज का चोक होता था वो उससे निजात मिली। और भी हमने जहाँ पर ये जो मेन लाइन डाली है ड्रेनेज की, बियाबानी मेन रोड से लोअर पट्टी तक, उसमें हमने बियाबानी धार रोड की या जुना राज मोहल्ला की, इन सब लाइनों को भी उसमें हमने जोड़ा है। उससे हमारे को क्या ड्रेनेज की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत जो थी वो उससे निजात मिली है। यहाँ पर बार बार हमको नालियाँ साफ कराना पड़ती, वो हमारा डेली का काम है। सड़कों की सफाई तो ये जो आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में हो रही है। आपने कहा 170 करोड़ रुपए के टेंडर भी हो गए स्मार्ट सिटी को लेकर, और आपके वार्ड में ज़्यादातर काम किए करवाए जाएंगे। हाल ही में सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी कुछ मकान तोड़े गए थे, कुछ लोगों का वहाँ पर विरोध भी था, तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा आने वाले वक्त में? क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जब आप काम करने जाएंगे तो कई सारे होटले भी तोड़े जाएंगे, कई सारे दुकानदारों को नुकसान भी हो सकता है वहाँ पर। सड़कें निश्चित रूप से कुछ चौड़ी की जाएंगी, जो है वैसी रहेंगी, लेकिन कुछ तो चौड़ा किया जाएगा। शुरुआत में बियाबानी वाला जो मालगंज वाला इलाका था उसमें कुछ विरोध हुआ था, बाकी बाद में लोगों ने जब वो रोड देखा है आज बियाबानी का, मालगंज का रोड जो बन गया, जिसकी सुंदरता ही है, वो जो लोगों का व्यवसाय बढ़ा है, प्रॉपर्टी के जो रेट बढ़े हैं, उसके बाद में लोगों का सहयोग हमको तोड़फोड़ में मिलने लगा। और अभी हमने इसका उदाहरण आप देखेंगे कि शिवानी होटल जो है वहाँ गंगवाल बस स्टैंड से पूरे सिलाट पूरे दरगाह चौराहे तक लगभग 300 लोगों ने अपने मकान स्वयं के हटाए थे, और हटाने के लिए पैसा लगा, एक एक मकान को उन्होंने जो अपना हिस्सा तोड़ने के लिए लगभग 20,000, किसी के 25,000, किसी के 30,000, ऐसे मकान तोड़ने के पैसे भी लगे, वो भी लोगों ने अपने पैसे खुद दिए, हमको ज़मीन भी दी है। तो जो वो उन्होंने देखा कि बियाबानी रोड पर जो वैल्यू बढ़ी है, जो व्यवसाय बढ़ा, तो वो भी चाहने लगे कि हमारा इस क्षेत्र का विकास हो, तो उन लोगों ने सहयोग दिया। मैंने भी अपना मकान वहाँ पर तोड़ा बियाबानी में, और लगभग 300 लोगों ने वहाँ पर अपने मकान तोड़े। कुछ जो थोड़े बहुत रह गए थे 45 मकान, वो नगर निगम ने बाद में जाके, वो भी लोगों ने अपने मकान काट रखे थे, 3-3 माले के मकान थे, वो तोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने काटे, हमारी नगर निगम की फोकलैंड ने वहाँ पर जाके गिराए। तो
अब मैं समझता हूँ कि जो रोड चौड़ीकरण में जनता का सहयोग हमें मिलने लगा है जी। जनता भी विकास चाहती है और ये विकास अब आप देखेंगे जहाँ भी हो रहा है वहाँ जनता आगे भी। हमने नरसिंह बाजार वाला रोड हमको करना है जी। हमको जयरामपुर कॉलोनी से गोराकुंड तक रोड चौड़ीकरण करना है। जनता हमसे आके पूछते भैया कब काम चालू करोगे जी। पर हम उसको ये रोड हम जो हमने हमारी महापौर जी ने कहा है कि आप गणेशगंज महेश नगर ये बियाबानी लोहार पट्टी ये गंगवाल वाला ये सब पूरे कर लो। ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर आप वहाँ पर थोड़ा थोड़ा चालू करो। आपने कहा व्यवसायिक क्षेत्र है होलकर कॉलोनी में काली मार्केट है यहाँ पर तो काम की कुछ ज़्यादा महत्ता नहीं रहती लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर जो पीने के पानी की व्यवस्था है आपने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ज़रूर वहाँ पर मीटर लगा दिए जाएंगे तो नई व्यवस्था के अंतर्गत क्या दिया है क्या वहाँ पर पानी की व्यवस्था है प्रॉपर। वर्तमान में पूरा वार्ड नर्मदा के पानी पर डिपेंड है और नर्मदा का पानी ईश्वर की कृपा से मेरे वार्ड में अच्छा आता है जी पर्याप्त आता है। कुछ जगहों पर जहाँ पर समस्या है होती तो हम टैंकर से उसको भेजते हैं और जहाँ पर समस्या 12 महीने रहती है तो उनके वहाँ पानी की कहीं कुछ बहुत बरसों पुरानी प्रॉब्लम तो हमारे पास एक टैंकर है उससे हम उनकी पूर्ति पूरी कर देते हैं। बाकी मेरे वार्ड में नर्मदा का पानी पर्याप्त मात्रा में आता है। जिस दिन टंकी में कहीं फॉल्ट वाल्ट होता है नर्मदा की मेन लाइन में उस दिन मुझे तकलीफ आती है वार्ड में वरना पानी की कोई समस्या वार्ड में है नहीं। अच्छा पानी आता है अभी जो रोड बन रहा है बियाबानी से ये जो सरवटे से गंगवाल उसके कारण नर्मदा की लाइन फूट रही है उससे कुछ गंदे पानी की समस्या पिछले एक महीने से चल रही है यहाँ पर उसमें हम बराबर उस पर ध्यान दे रहे हैं समय मॉनिटरिंग करते हैं तो वो शुरू में थोड़ा गंदा पानी आता फिर ठीक पानी आता हम उसको रोज़ उसमें लगे हुए महीने भर से की गंदे पानी की समस्या पर वो रोज आ रही है रोज वो ड्रेनेज को डालने जाते हैं और नर्मदा की लाइन फूट जाती है उसके जैसे भी से उसको आपने कहा वार्ड आपका स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल कर लिया गया लगभग 75% वार्ड आपका स्मार्ट सिटी में शामिल है उसी के अंतर्गत काम किए जाना है। अब तक जो काम किए उसका आपने ब्यौरा पेश किया है लेकिन क्या उम्मीद की जा सकती है 1.5 साल के अंदर वार्ड स्मार्ट हो जाएगा पूरी तरह से। निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी में बहुत पैसा है सरकार से केंद्र सरकार और भोपाल की सरकार से पैसा मिला है और उसमें बस काम की तेज़ी लाना है उसमें सब टेंडर अभी तक हम सब योजनाएं बना रहे थे हमारे कंसल्टेंट लगे थे कि प्रॉपर योजनाएं बन जाए बाजार का क्षेत्र है तो सारी योजनाएं बन चुकी है टेंडर हो चुके हैं अब इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है जी। तो हम अभी बैठे रहते कि वहाँ पर बाजार में हम ऐसा कोई प्लान बनाएं कि व्यापारी परेशान नहीं और हमारे अंडरग्राउंड जो लाइन बिजली की जाना वो या नर्मदा की नई लाइन डालना है और स्टाम वाटर या ड्रेनेज वो कैसे हम जल्दी से जल्दी बिना व्यापारियों को परेशानी आए पूरी कर दें इस पर हम अभी लगे हुए हैं। योजनाएँ बन रही है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी काम होगा। बाकी का जो जहाँ काम कर आवश्यकता हो मैंने वहाँ पे काम किए हैं क्लाथ मार्केट जो हमारा होलकर कॉलोनी है वहाँ पे 11-12 गली है क्लाथ मार्केट वहाँ हमने पूरा सीमेंट कॉन्क्रीट करा लगभग 80-85 लाख रुपए का 80-80 लाख रुपए के 3 टेंडर मेरे वहाँ बैकलाइन के हैं बैकलाइन में पूरा काम चल रहा है और मालगंज चौराहे के सामने जो लोधीपुरा नंबर 1 की बैकलाइन है जो हमने शुरुआत की थी उसमें कमिश्नर मनीष सिंह जी उस समय पूरे 19 झोन के झोना अधिकारियों को लेकर आया था और बैकलाइन को दिखाया था कि बैकलाइन ऐसे बनना चाहिए जी। तो एक आदर्श बैकलाइन वो बनी थी उसको पूरा मॉडल शहर में गया है और हमारा तेजी से बैकलाइन के काम चल रहे हैं 80-80 लाख रुपए के 3 टेंडर बैकलाइन के हुए उसमें हम 3 ठेकेदार अलग अलग काम कर रहे हैं। नालियों के सफाई के जो मैंने आपसे कहा वो एक मेरी रोज की प्रॉब्लम है वो हम करते रहते हैं टाइम टाइम पर। बाकी के जो काम होना है स्मार्ट सिटी में होना है और निश्चित रूप से करोड़ों का हमने ऐसे भी किए हैं जी। तो बाकी अब जो काम होना है वो बहुत सब उसकी प्लानिंग हो चुकी है टेंडर हो चुके हैं और तेज़ी से काम होंगे। व्यापारिक क्षेत्र है पार्किंग की हमेशा समस्या बनी रहती है हालांकि कुछ पार्किंग स्थल बनाए ज़रूर गए हैं लेकिन क्या आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और आपके वार्ड में कोई ऐसा पार्किंग स्थल बनाया जाएगा जिससे व्यापारियों को सुविधा हो वाहन खड़े करने की। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है मेरा जो वार्ड है इसमें पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। सारे बाजार हैं एक बड़ी दुकान है उस बड़ी दुकान पर 10 कर्मचारी हैं तो 10 कर्मचारी ही घर से मोटरसाइकिल लेके आते हैं और सड़कों पे वो उनकी दुकानों के सामने मोटरसाइकिल रख देते हैं तो आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। रिक्शा भी निकल नहीं पाती क्लाथ मार्केट में या शक्कर बाज़ार में या मारोठिया में या सिक्साटा बाज़ार में या बर्तन बाज़ार में। तो हम अभी जो पार्किंग तो बना ही रहे हैं कि हम क्लाथ मार्केट में एक पार्किंग बना रहे हैं सराबा के पीछे पुराना भंडारी स्कूल वहाँ पार्किंग बना रहे हैं एक पार्किंग इतवारे बाज़ार के कोने पे बन रही है एक पार्किंग हमारी सरापा जो थाने के सामने पुराना स्कूल बंद हो गया वहाँ बनेगी एक लोधीपुरा का कॉर्नर का स्कूल है वहाँ बने जो जो भी हमें स्थान मिले हम वहाँ पार्किंग बना रहे हैं। और उसके बाद भी हम जो स्मार्ट सिटी में करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोक परिवहन की व्यवस्था दें कि हम जो रोड बन गया हमारा आज ऊना का से लोहार पट्टी रोड बन गया जयरामपुर से जो बनेगा यह इसमें हम गाड़ियाँ चलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बसें जो फूटी कोठी से चलेगी अन्नपूर्णा से चलेगी सिंधी कॉलोनी से चलेगी और जो बाजे से गुजरेगी जब रोड चौड़े हो जाएंगे तो जब ये वाहन निकलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बसें तो इसमें लोग हम उनसे वो करेंगे कि आप आपकी मोटरसाइकिल घर पर रख के आओ और आपकी दुकान पर आप सरकारी वाहन लोक परिवहन से आओ
तो इससे निश्चित रूप से लोग परिवहन का उपयोग करने लग जाएंगे। आज हम सिंगापुर देखते हैं तो वहाँ इतना बड़ा वो है बाकी लोग परिवहन का उपयोग अधिक से अधिक पब्लिक करती है, वहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं है। हम भी जहाँ निवेदन करेंगे कि आप अपनी मोटरसाइकिलें घर पर रख के आओ और लोग परिवहन से आओ, बसें हम चलाएंगे रोड कम्प्लीट होने के बाद, तो हम ज़्यादा जोर देंगे कि लोग अपनी मोटरसाइकिल घर पर रख के आए और लोग परिवहन से आए तो नरसिंह विहार पर गाड़ी रुकेगी, शीतला माता रुकेगी, गोराकुंड पर रुकेगी, लोहार पट्टी पर रुकेगी, इतवारे में रुकेगी, तो निश्चित रूप से लोग उसमें आएंगे, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के कर्मचारी, तो ये ट्रैफिक की समस्या हमें वहाँ निजात मिलेगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप अपने आपके अब तक के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं कि आप अपने आप को पास मानते हैं? शहर का विकास आप देख ही रहे हैं, ये इसका मॉनिटरिंग तो जनता करेगी कि जो पिछले 3 सालों में स्मार्ट सिटी के द्वारा जानकारी विभाग से पूरे शहर में बड़ी बड़ी पुल पुलियाएँ बनी हैं, और सड़कें बनी हैं, मूसा खेड़ी की सड़क ले लें, कनाड़िया की सड़क ले लें, और जो पुल पुलिया आप संवाद नगर की पुल ले लें, है ना, त्रिवेणी कॉलोनी की पुल ले लें, अब ये लालबाग के वहाँ जो मैदान है, करबला वाला मैदान, देवीगढ़ वो पुल ले लें, जयरामपुर की पुल ले लें, बड़ी बड़ी पुल पुलिया हमने बहुत टाइम लिमिट में पूरी की, हम सड़कें भी टाइम लिमिट में पूरी कर रहे हैं, और मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक इसी यही काम देखता हूँ मैं, और उसके परिणाम है कि आज महापौर जी का बहुत हमको सहयोग मिल रहा है। कोई भी कभी, मैं समझता हूँ कि शहर में जितनी भी छोटी बड़ी पुलियाँ हैं, अंदर कॉलोनियों में पुराने समय की जो पुलियाँ हैं, क्षतिग्रस्त पुलियाँ, उन सब पुलियाँ को भी टेंडर हम कर चुके हैं, आने वाले समय पुलियाँ भी सब कम्प्लीट हो जाएंगी वो, और मैं 3 साल में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप देख रहे हैं कि आप जुनिंदुर का भी आप देखें, चंपा बाग का देखें, आप चंद्रभागा का देखें, तो बहुत तेज़ी से हमारे विभाग ने काम किया और हमने टाइम लिमिट में काम पूरा किया है। हमसे बात कर रहे थे पार्षद शंकर यादव जो जनकार समिति प्रभारी में, अपने वार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ चुका वार्ड, तो अब जो काम होगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही किया जाएगा, जो ज़रूरतें होती हैं वो लगातार पूरी की जा रही हैं। तो चलिए फिर चलते हैं वार्ड 69 के दौरे पर, वहाँ की जनता से पूछते हैं कि क्या पार्षद शंकर यादव ने उनके लिए कुछ काम किया है, क्या वो उन्हें पास मानते हैं या फिर फेल। बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये गली सामने की सड़क बनवाई, इधर की सड़क बनवाई, बगीचे में बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले तो गली में बहुत पानी वगैरह भरा रहता था, उसके कारण मच्छर वगैरह बहुत होते थे, कचरा पेटी थी, उसकी समस्या भी हल कर दी सर ने। पहले हमको बार बार जाना पड़ता था, पर अब नहीं जाना पड़ता एक बार भी इनके पास में, पास मानते हैं। जी हाँ, उनके कामों से हम संतुष्ट हैं, उन्होंने हमारी कॉलोनी में रोड भी बनवाई, लाइट भी लगवाए, ड्रेनेज का, हमारी गली में पूरा पानी भरता था, ड्रेनेज का भी अच्छे से काम करवा दिया, साइड के पेवर ब्लॉक भी बना दिए, उनका बोरिंग भी बराबर चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुविधाएँ लगातार बढ़ रही है, पहले भी थी और अब बढ़ती गई है, तो कुछ व्यवस्थित हो गया है, पास ही है भाई साहब। पार्षद काम से सभी रहवासी पूरे संतुष्ट हैं और जो भी कार्य हो रहे हैं सब व्यवस्थित रूप से हो रहे हैं। पहले जो भी समस्या आती थी ड्रेनेज की, सफाई की, अब जो है ड्रेनेज समस्या नियमित रूप से हल होती है, सफाई जो है व्यवस्थित होती है, घर घर कचरा कलेक्शन हो रहा है। पहले जो पब्लिक जो है घर अपने घरों के बाहर कचरा डाल देती थी, अब जो है गाड़ियाँ व्यवस्थित आ रही है और उसी में गीला सूखा कचरा व्यवस्थित रूप से डाला जा रहा है और किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और समस्या होती भी है तो पार्षद महोदय के यहाँ जो कॉल करते हैं तुरंत उस समस्या का निदान हो जाता है, पूरी 100% तरीके से पास है, पूरी तरह से संतुष्ट है। साफ सफाई व्यवस्था सब व्यवस्थित है, पानी की व्यवस्था वगैरह किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। पहले जो समस्याएँ आती थी काम होते थे पर लेट होते थे, अब व्यवस्थित तरीके से चल रहा है काम, ड्रेनेज वगैरह सफाई ये पहले व्यवस्थित नहीं होती थी पर अब व्यवस्थित चल रही है कार्य, पास है। हम बोरा बाजार बजाज खाना चौक से बोल रहा हूँ और यहाँ जो शंकर यादव जी पार्षद है इस क्षेत्र के, उनके सानिध्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है और चैम्बर लाइन का जो विगत 40 वर्षों से ये जाम पड़ी थी वो उन्होंने, उनके द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है और ये कार्य वाकई में मतलब तारीफ़ काबिल काम करवाया उनने, और चैम्बर पूरे खुदवा के नई लाइन डली जा रही है और स्मार्ट सिटी में सारे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा है।
और हम उनके कामों से बहुत संतुष्ट हैं और आगे सभी व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पास मानते हैं। बिल्कुल संतुष्ट है साहब, बहुत अच्छे काम हो रहा है साहब। ये जो स्मार्ट सिटी के लिए जो काम हो रहा होगा, इसके लिए बहुत अच्छे कदम उठाए उन्होंने। हम बहुत खुश हैं साहब इनके कामों से, और होना चाहिए साहब। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से गाड़ियाँ बन रही है, जिस हिसाब से सड़कें बन रही हैं, बहुत अच्छे काम है साहब। जो अंडरग्राउंड इतने पाइपलाइन हो रही है, इसके बाद लाइट का भी इनका प्रावधान है कि लाइट भी कर रहे हैं वो, तो होना चाहिए साहब, बढ़िया काम है साहब। सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की है साहब, मतलब बजाज खाना चौक में तो पार्किंग की बेहद समस्या है सर। यहाँ खाली दुकानें भी लग जाती हैं, उससे भी समस्या है पार्किंग में लेकर। ये निराकरण होना चाहिए साहब इसका, तो हो रहा है, हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। पास है साहब, पास है, बिल्कुल पास है। हमारे यहाँ के पार्षद हैं श्री शंकर जी यादव जी। हमारे वार्ड में कई काम हुए हैं, जैसे उन्होंने ड्रेनेज लाइन के लिए कई काम किए, पानी के लिए, पानी वाटर ले वाटर पानी के लिए इन्हें लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं दी है। आज हमारे वार्ड के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं है, नल बराबर आते हैं समय पर, और सभी नागरिक इससे खुश हैं। इसके बाद में शंकर जी यादव ने काफ़ी काम किए हैं। अभी जो सड़क निर्माण का काम चल रहा है सरवटे टू गंगवाल, उसमें भी उन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम करवाया है। हमारे यहाँ पर कैला माता मंदिर से लेकर उन्होंने सड़क का निर्माण शुरू कराया जल्दी से, उसी के अंदर उन्होंने बहुत जल्दी से पाइपलाइनें बिछवाना शुरू कर दी है ड्रेनेज की, उसके साथ ही नल की भी लाइनें डालना है, वो भी जल्दी से जल्द काम शुरू करेंगे। हम तो पार्षद को पास मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जो काम है वो बोलते हैं, और आज नागरिक पूरे क्षेत्र का नागरिक यही बोलता है कि काम अच्छे हो रहे हैं और सभी खुश हैं उस काम से। तो हमने दौरा किया था वार्ड क्रमांक 69 का, हमारे खास कार्यक्रम पार्षद पास या फेल के तहत। वहाँ के पार्षद और जनकार समिति प्रभारी शंकर यादव से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेरा वार्ड स्मार्ट सिटी क्षेत्र में आता है, वार्ड का 75% क्षेत्र स्मार्ट सिटी में है, इसके चलते जितने भी काम होंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जाएंगे। वार्डवासियों से जब जानकारी ली गई क्या शंकर यादव उनके वार्ड में आते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, क्या उन्होंने पिछले 3 सालों में कुछ काम किया है, तो ज़्यादातर वार्डवासियों का कहना था कि शंकर यादव लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उनके वार्ड में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण पार्षद द्वारा नहीं किया जाता। ज़्यादातर रहवासियों ने उन्हें पास घोषित किया है। कैमरा पर्सन नीलेश करोशिया के साथ अरशद खान, डिजियाना न्यूज़, इंदौर। कुछ भी काम नहीं करवाया, बोलते रहो अपन, कुछ भी नहीं करवाने को तैयार। और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है, साफ सफाई वगैरह बिल्कुल बढ़िया रहता है। ऐसे ही व्यक्ति चुन के आना चाहिए।